जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। किरण जी, आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पारजाद करम से सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वीडियोस देखी हैं आपने, मैं तो इस जगह को नाम दे रहा हूँ जन्नात का जजीरा। सर, जानवर नहीं जा सकते यहाँ पर, जानवरों के ढांचे देखे हैं आपने? और आप ये नोट कीजिए कि जानवर ऐसी जगहों पर नहीं जाते जहां से उनकी वापसी मुमकिन ना हो। सही। सर यार, उन्हें तो पहले पता चल जाता है। यस यस यस। और फिर जानवरों को खुराक भी तो बनाया जाता है ना, इन मखलूकात अपनी बनाती है ना खुराक। अब सर वो जजीरा, ये लगता तो आपके हब डैम के पास ही है। हब डैम समझ लें, उसका कोई कोना कह लें, कोई पुरानी इमारत कह लें, जो आहिस्ता आहिस्ता जजीरे में बदल गई, कि जहाँ अब बस वो है और उसके चारों तरफ पानी पानी है और हमें पता नहीं कि हमने कैसे पहुंचना है वहां पर। फिर सर उस जगह के करीबी जो आसपास लोग हैं, उनके कहने के मुताबिक वहां पर आवाजें जो हैं अजीब व गरीब सी रात भर आती हैं। सही। कैसी आवाजें? चीखो पुकार, चीखने की डरावनी आवाजें, खौफनाक आवाजें। वो जानवरों की आवाज़ होती है। लेकिन सर बात यह है कि जानवरों के ढांचे क्यों मिल रहे हैं फिर वहाँ पर? यार ढांचे भी ऐसे कि एक गोश्त की बूटी नहीं है, और मतलब पूरा का पूरा हड्डी किसी ने नहीं खाई है, मतलब पूरा सालिम पड़ा हुआ। यार ये हमें याद है, ढांचे ऐसे मिले थे डिफेंस के बंगले के नीचे, बिल्लियां टैंक के नीचे, 6 बिल्लियों के ढांचे मिले थे। और ये बात जी वाकई सुनी भी है और कई बार तस्दीक भी हुई है इस बात की, कि ये जो मखलूकात है ना, ये अपनी ग़िज़ा बनाती हैं जानवरों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, मतलब अक्सर जगहों पर हमने देखा है। और ऐसी जगह पर ऐसे जानवर का ढांचा मिलना जहाँ वो जाता ना हो खुद से, तो या तो ये किसी मखलूक के पीछे भागा है वहाँ पर। जो मखलूक है ये भी तो किसी को लुभाने के लिए, दूसरे जानवर को लुभाने के लिए, जैसे अगर वो गोश्त खोर है तो वो बकरी का या चिकन का कोई मामला हो जाता है, उसको ढूंढते हुए वो अगर वहाँ पहुँच गया और खुद ही शिकार हो गया। बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है कि वो अपने शिकार के लिए गया हो वहाँ पर और खुद शिकार हो गया हो। ऐसा ना हमें क्वेटा के भूत बंगले में कहा गया था कि वहाँ पर जानवर पहले छोड़े गए चेक करने के लिए कि अंदर कौन है, कोई वापस नहीं आया। एक दो गार ऐसे थे, कई जानवरों को वहाँ पर छोड़ा गया लेकिन कोई वापस नहीं आया। एक अजीब ही जगह है, अल्लाह करे दिन की रोशनी में हम पहुंच जाए ताकि आपको दिखा सकें सही से। मगरिब के बाद, शाम के बाद तो वहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई चला गया। काफ़ी वीरानियाँ थे और जो जंगल एक तरीके से इतने बड़े, उसमें घास उगी हुई है और वो इतनी बड़ी है कि जैसे कभी किसी ने काटी ही ना हो, वहाँ ना पहुँचा ही ना हो कोई ना। बिल्कुल, तो वो तो नो गो एरिया हो गया ना। बिल्कुल ही सर, तफाकन भी कोई नहीं गया। 40 दिन तक कहते हैं जगह को खाली छोड़ दें आप, रोशनी ना करें तो वहां पर बस जाती है मखलूकात। ये तो सर इधर तो कोई रोशनी क्या, आना जाना ही नहीं है यहाँ तो। अभी जहाँ हम एक जगह है वहाँ पर ऊपर का फ्लोर खाली, उन्होंने मुसलसल बल्ब जला के रखे हुए। अच्छा, ताकि वो क्या कहते हैं कि रोशनी अंधेरा बिल्कुल भी ना हो। ये दूरंदेशी है ना जी, अक्सर देखते होंगे आप कई लोग ना अब्रॉड चले जाते हैं अपने घरों को बंद करके ना, लेकिन वो रोशनी जरूर करके जाते हैं, वो सारा घर ब्लैकआउट करके नहीं जाते। नहीं, जाना भी नहीं चाहिए। कोई एक छोटा बल्ब, जीरो का बल्ब भी सही, छोटा बल्ब रोशनी सेवर जो है ना वो करके जानी चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल जी, ये आपको एरिया दिखा दें, जाता तो उधर ही है हब चौकी की तरफ, आगे हमदर्द यूनिवर्सिटी वो भी आएगी एड्रेस के साथ। लोग हमसे पूछते हैं कि आप ऐसी जगहों पर चले कैसे जाते हैं, आपको मिल कैसे जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ सब इंतजाम बंदोबस्त है, हम बस निकलते हैं कि देखी जाएगी। यार सवाल दिमाग में पैदा हुआ था इस वीडियो को देख के मेरे, कि जैसे अभी बिल्लियों वाली जगह की बात निकली, तो हड्डी तो इन मखलूकात की गजा होती है ना, होती है। तो क्या ऐसी भी मखलूकात इनमें हैं जो खाली गोश्त को ही पसंद करती हैं और हड्डी को वैसी की वैसी छोड़ देती हैं? यार कहा ये जाता है, मकोड़े भी नहीं खा रहे ना हमारे लिए, सामने वो हड्डियां रखी हुई है लेकिन उनके लिए वो खुराक बन चुकी है या बन रही है अभी भी? आप खुद जवाब दे रहे हैं ना कि यार ना उनको कोई कीड़े ना कोई मतलब वो कुछ ऐसा हो रहा है, वो वैसे आ जाती हैं
या मट्टी लग जाती है, वो ढांचा ऐसा नीड़े निकली है किसी ने, जैसे कि अजायब घर में रखा जाता है ना शायद, पता नहीं हमें गाड़ी कहाँ खड़ी करनी पड़े, गाड़ी तो दूर खड़ी करनी पड़ेगी, गाड़ी कहीं फासले पे खड़ी हो, फिर बताएं पहले कि क्या तैर के जाना है, आप लाइफ जैकेट रखी है, हाँ लेना बोल रहे हैं जी जी, बस सर आप बोल है क्या है, आप मुझे लेके तो आ गए उसकी जगह पे, बस आप जहन बनाए, आप बहुत अरसे बाद तजुर्बा है लोकेशन पे जाने का, आप जहन मुझे ऐसा रखना कि मैं सही सलामत घर पहुंचा देना, मैं चीख के भाग रहा हूँ। नहीं एक बात तो मैं पूरी टीम को इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि सब ये जानते हैं, सब ये जानते हैं कि ये आसान काम नहीं, ये खतरनाक काम है हर हवाले से, मखलूकात के हवाले से भी, दुनियावी हालात के हवाले से भी, टाइमिंग के हवाले से भी, सांप बिच्छू चोटें इन सब के हवाले से, और अपनी मदद आपके तहत कई जगहों पर ना, ये वो वाले रिस्क हैं जिससे मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हुआ है कई बार हुआ है, हमारे आपने ब्लड्स देखे हैं जगह जगह पे जख्मी हो, हमारे पैरों के पास सांप बिच्छुओं को आपने देखा है रिकॉर्ड होते हुए कई जगहों पर, कई इलाकों में ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना रोशनी ना खाना पीना, कुछ ऐसे मामले नहीं, फिर असर अलग, भागना अलग।